A photo cell connected in an electrical circuit is placed at a distance d from a source of light. As a result, current I flows in the circuit. What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d by 2? और ये हमको ऑप्शन गिवन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कोई एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहीं फ्लो हो रही है, जब सोर्स को डी डिस्टेंस पे रखते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। मींस जैसे मान लीजिए ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल रखा है और डी डिस्टेंस पे कोई सोर्स रखा है, उस समय इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसकी जो करंट है वो बच्चों क्या है, आई है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब कह रहे हैं जब इसकी डिस्टेंस को कम करके d बाई टू कर दें, मतलब ये सोर्स यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, अब ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, d बाई टू। तो कह रहे हैं अब करंट कितनी होगी ये अपने को पता करना है। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि किसी सोर्स को पास लाने पे होता क्या है। पास लाने पे बच्चों इंटेंसिटी बढ़ती है, अगर फोटो सेंसिटिव मटेरियल के पास ले जाएंगे सोर्स को तो क्या होगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी लाइट की, और इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगी। अब बात यह है कि इंटेंसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r². मींस इंटेंसिटी जो है वो सोर्स और फोटो सेंसिटिव मटेरियल के बीच की डिस्टेंस के इनवर्सली स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी इन फर्स्ट केस अपॉन इंटेंसिटी इन सेकेंड केस, अगर इनको मुझे डिवाइड करना तो इससे क्या मिलेगा, 1/r² है ना, तो r1² नीचे आ जाएगा और इसका r2² ऊपर चला है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए यानी कि मैं कह सकता हूं कि इंटेंसिटी 1/Intensity 2 इज इक्वल टू R2, R2 वैल्यू क्या है, d/2 का होल स्क्वायर अपॉन d². इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा, d² / 4 ऊपर से बचेगा, नीचे बचेगा d² कट गया, क्या बचेगा 1/4, क्या बचा 1/4। मतलब मैं कह सकता हूं इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू फोर इंटू इंटेंसिटी 1, मतलब पहले केस की जो इंटेंसिटी थी उसकी 4 गुनी हो जाएगी दूसरे केस में। यह बात यहां से आपको पता चली। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो डिपेंड करती है सीधा सीधा किस पे, इंटेंसिटी पे। I डिपेंड करता है किस पे, इंटेंसिटी पे। इसका मतलब I1/I2 बराबर हो जाएगा इंटेंसिटी 1/Intensity 2, ऐसा मैं लिख सकता हूं। I1 तो हमको दिया है, पहले वाली करंट कितना दिया बच्चों, I2 अपने को निकालना है। इंटेंसिटी 1/Intensity 2 कितना आया देखो, तो इंटेंसिटी 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × इंटेंसिटी 1, मतलब बाद में इंटेंसिटी पहले की 4 गुनी हो गई थी ना, तो ऊपर तो रहेगा इंटेंसिटी 1 ही रहेगा, नीचे क्या रहेगा 4 × इंटेंसिटी 1, क्यों, इंटेंसिटी 2 इज इक्वल टू कितना था देखो, 4 × इंटेंसिटी 1, वो यहां रख दिया इंटेंसिटी 1 पहले वाले केस का इंटेंसिटी कट जाएगा तो ये ऊपर 1 बचेगा, यानी कि 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, I2 इज इक्वल टू 4i, सो द फाइनल करंट विल बी 4i। तो इसमें 4i करंट होगी, इसका मतलब कह सकते हैं कि जो हमको दिए गए ऑप्शन है उनमें से सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए।